शांति भूषण ने दिल्ली सरकार से जन लोकपाल बिल की आलोचना की, कहा केजरीवाल ला रहे हैं महाजोगपाल। शांति भूषण ने कहा दिल्ली सरकार के जन लोकपाल बिल में है ऐसा प्रावधान जिससे सरकार की कठपुतली बना रहेगा जन लोकपाल। प्रशांत भूषण का आरोप, सीएम केजरीवाल ने जन लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह अपने अधीन रखा। प्रशांत भूषण का आरोप, केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर केंद्रीय मंत्रिमंडल को जन लोकपाल के रखा अधीन, कानूनी तौर पर यह गलत, केंद्र इसे नहीं करेगा मंजूर, शायद यही है केजरीवाल की मंशा। प्रशांत भूषण ने कहा सोमवार को दिल्ली विधानसभा पास कर सकती है जन लोकपाल बिल, इसी मंशा से पंकज पुष्कर को दो दिनों के लिए विधानसभा से निष्कासित किया गया। आतंकी संगठनों से दिल्ली को बड़ा खतरा, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बढ़ाने का दिया आदेश। अखबार मेल टुडे की खबर, दिल्ली में हवाई हमले का है डर, संदिग्ध उड़ती चीज को मार गिराने का आदेश। ड्रोन से आतंकी हमले की है आशंका, आईएसआईएस और दूसरे आतंकी संगठन इसे बना सकते हैं हथियार। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा को लेकर की बैठक, दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ और आईएएफ से मांगा सुझाव, दिल्ली में 15 जगहों पर खास सुरक्षा की बनाई सूची। बुलंदशहर की डीएम बी चंद्रकला ने ली गोली चलाने की ट्रेनिंग, ग्राम प्रधान के चुनाव के मद्देनजर कराई गई मॉक ड्रिल, डीएम एसपी ने मातहतों को दिए जरूरी निर्देश। अभिनेता आमिर खान के बयान पर बोले गीतकार जावेद अख्तर, पूरे समाज में नहीं है असहिष्णुता, कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज को नहीं कह सकते असहिष्णु। फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी ने भी किया आमिर का बचाव, कहा बयान को मीडिया ने बेवजह दिया तूल। महाराष्ट्र में नशाबंदी मंत्री दिलीप कांबले का बयान, राज्य में शराबबंदी की नहीं है कोई योजना, पहले किया था पूरे राज्य में शराबबंदी का ऐलान, कुछ घंटे में बयान से पलटे। 1 दिसंबर से मुंबई में मेट्रो का सफर होगा महंगा, मेट्रो का किराया 5 रुपए तक बढ़ाने का फैसला। वर्सोवा से घाटकोपर के रूट पर बढ़ेगा किराया, अब 10, 20, 30 और 40 रुपए के स्लैब की जगह 10, 20, 25, 35 और 45 के स्लैब में वसूला जाएगा किराया। कैप्टन के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर समर्थकों में खुशी, लुधियाना में जमकर मनाया गया जश्न। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक महिला आईपीएस अफसर से उलझे, फतेहाबाद में कार्यक्रम के दौरान दोनों के बीच कहासुनी तक की आग पहुंची नौबत, अवैध शराब के मुद्दे पर थी बैठक। अनिल विज ने कहा प्रदेश के 99% अफसर मानते हैं सरकार का आदेश, 1% वर्ग ऐसा जो नहीं करते उन्हें ठीक कर दिया जाएगा। मंत्री अनिल विज ने कहा एसपी की शिकायत मुख्यमंत्री से की है, उन्हें ही लेना है फैसला, कांग्रेस ने विज पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली सरकार 30 नवंबर को लाएगी जन लोकपाल बिल, विधानसभा में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पेश करेंगे बिल, भ्रष्टाचार के मामलों में उम्र कैद तक का प्रावधान। जन लोकपाल की चयन प्रक्रिया से एलजी को किया गया दूर, चयन समिति में होंगे 4 सदस्य, मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के जज। सूत्रों के मुताबिक 3 सदस्यों की कमेटी होगी जन लोकपाल, 2 सदस्य और 1 अध्यक्ष होगा, लोकपाल के फैसले को अदालत में नहीं दी जा सकेगी चुनौती। दिल्ली में 8वीं तक स्टूडेंट्स को फेल न करने की नीति बदलेगी, दिल्ली विधानसभा ने पास किया बिल। दिल्ली में बनेगा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का मेमोरियल, दिल्ली विधानसभा ने पारित किया प्रस्ताव। शीना मर्डर केस में होगा पीटर मुखर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट, कोर्ट ने सीबीआई को दी टेस्ट के लिए मंजूरी। 30 नवंबर को खत्म हो रही है पीटर की सीबीआई हिरासत, ऐसे में आज या कल हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। मुंबई में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, छात्रा के पड़ोस में रहने वाले 4 लड़के पकड़े गए, आरोपियों में से 1 लड़का है छात्रा का दोस्त, आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो बना व्हाट्सएप पर किया था अपलोड, इसी के बाद सामने आया मामला।
मुंबई के थुरार इलाके में एक शख्स को अज्ञात बदमाश ने मारी गोली, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार। यूपी में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, मेरठ के कैंट इलाके से मोहम्मद इजाज नाम के आईएसआई एजेंट को किया गया गिरफ्तार। इजाज सेना और वायुसेना की गतिविधियों और विमानों से जुड़ी जानकारियां भेजता था पाकिस्तान, पाकिस्तानी एजेंट के पास से कई गोपनीय दस्तावेज भी बरामद। यूपी के बांदा में स्कूल वैन को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों की मौत। हादसे से नाराज ग्रामीणों ने ट्रक में लगाई आग, कई दुकानों को भी फूंका गया, पुलिस ने किसी तरह संभाले हालात। नोएडा में बीती रात यूपी दिल्ली बॉर्डर पर तेज रफ्तार डंपर का कहर, 2 कारों में मारी गई टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, आरोपी डंपर ड्राइवर हुआ फरार। नोएडा में एक लड़की ने अपनी शादी में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाई गुहार, आर्थिक तंगी की वजह से लड़की को डर है कि कहीं उसकी बारात लौट ना जाए। अगले महीने की 2 तारीख को लड़की की शादी है, लड़की की चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिला प्रशासन से मांगी है पूरी जानकारी। आमिर खान ने हरदोई में अपनी पैतृक जमीन और बगीचों पर बकाया लगान किया जमा। आमिर के मैनेजर ने हरदोई प्रशासन से बात कर जमा कराया लगान, आमिर की तरफ से 1,026.05 रुपये लगान जमा कराया गया। कानपुर में स्कूल में दोस्तों की पिटाई के डर से 7वीं के छात्र ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा अपनी मर्जी से कर रहा हूं सुसाइड। टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा, दक्षिण अफ्रीका को तीसरे टेस्ट में 124 रन से हराया। दक्षिण अफ्रीका के सामने 310 रनों का था लक्ष्य, 185 रन पर ढेर हुई दक्षिण अफ्रीकी टीम। कप्तान हाशिम अमला और ड्यू प्लेसिस ने बनाए 39 रन, 90 ओवर भी नहीं खेल सकी टीम। आर अश्विन का दक्षिण अफ्रीकी टीम पर बरपा कहर, झड़के 7 विकेट, मैन ऑफ द मैच का मिला खिताब, अमित मिश्रा को मिले 3 विकेट। 3 दिन में मैच खत्म होने पर दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान हाशिम अमला ने पिच पर उठाए सवाल। सीरियाई विद्रोही बना रहे रूसी एयरबेस को निशाना, विद्रोहियों ने जारी किया लताकिया एयरबेस को निशाना बनाने का वीडियो। इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के समय की जर्मन बारूदी सुरंग में किया गया विस्फोट, 680 किलो की बारूदी सुरंग को किया गया नष्ट। बर्फबारी ने लगाई अमेरिका के कई इलाकों में रफ्तार पर लगाम, साउथ डकोटा में सड़कों पर 1.5 इंच मोटी बर्फ की परत दिखी। अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्रिसमस की तैयारियां शुरू, राष्ट्रपति के घर पहुंचा आधिकारिक क्रिसमस ट्री, 18.5 फीट का है ये क्रिसमस ट्री। अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक शख्स ने क्लिनिक में घुसकर की फायरिंग, 3 लोगों की मौत, फायरिंग करने वाले शख्स गिरफ्तार।